फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, यानी कि घंटी का निशान होता है, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बहुत ही झटपट से ये बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो पालक की ही ज़रूरत होगी। तो ये मैंने आधे किलो जितना पालक लिया था, जिसमें से घास वगैरह उठा दी, मोटे डंठल थे वो बीन दिए, और उसके बाद मैंने इस तरीके से पालक को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया, दो तीन पानी से वॉश किया। और इधर मैंने 1 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें हम पालक को ब्लांच करेंगे। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ पालक को ब्लांच करना है, उबालना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे ही पानी में हमने पालक डाला, उसे अच्छे से इस तरीके से दबा देते हैं, जिससे पालक अच्छे से डूब जाएगा। और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और 2 मिनट में ही हमारा जो पालक है अच्छे से ब्लांच हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इसे उबालना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और बस गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद 2 मिनट ढका, और ये देखिए पालक अच्छा सा ब्लांच हो चुका है। अगर आपने पालक को ज़्यादा उबाल लिया तो एक तो इसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे, दूसरे इसका कलर भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद ये इस तरीके की एक चलनी ले लीजिए और इसमें पालक डाल दिया, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और ये मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, जिसे छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। बस रफली से कट करके डाल देंगे, क्योंकि एट लास्ट हमें इसे पीसना है। और ये लिए हैं खूब सारी हरी मिर्चें। फ्रेंड्स, अगर तीखा कम खाते हैं तो मिर्चों की मात्रा कम कर दें, वरना खूब सारी डालें। पालक के साथ हरी मिर्च गजब का टेस्ट करती है। और पालक का एक और बेस्ट साथी होता है, वो है लहसुन। पालक के साथ लहसुन बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। और फ्रेंड्स, अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आपको स्किप करना होगा, कोई इशू नहीं है, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। और ये ले लिए हैं 2 छोटे साइज के प्याज, और आप जो प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े साइज का है तो एक ही लीजिए। और ये लिया है एक बड़ा सा आलू, इसे भी कट करके डाल देंगे। सब चीज़ें अच्छे से कट हो चुकी हैं, तो एक बार इसे अच्छे से चला लेते हैं। और ये देखिए, ये चीज़ें मैंने चला ली हैं और हल्की हल्की सी क्रश हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा भी मैंने इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि फाइन पेस्ट हम बनाएंगे पालक के साथ। और ये मैंने जो उबला हुआ और पानी निकला हुआ पालक रखा था वो डाल दिया। इसमें आपको पानी वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही जितना अच्छा बारीक हो सके आप पीस लीजिए। और देखिए क्या बढ़िया कलर का हमारा ये पालक तैयार है, ना इसमें आलू का मोटा टुकड़ा है, ना अदरक का। और अब ये जो पिसा हुआ पालक था, एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। फ्रेंड्स, नमक डालते हुए ज़रूर ध्यान रखें, पालक का जो अपना नेचुरल टेस्ट होता है काफ़ी सॉल्टी होता है। और ये ली थोड़ी सी अजवाइन, जिसे क्रश करके डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही कम मसाले लगने हैं, इसमें आपको हल्दी या लाल मिर्चें नहीं डालनी है, वरना पालक का नेचुरल हरा कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये ले लिया 3 टेबल स्पून जितना बेसन, इसे मिक्स किया। और एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून जितना बेसन। फ्रेंड्स, ये 2 टेबल स्पून इसमें कमाल करेगा और इसे बहुत ही खस्ता कर देगा। हमें इसमें तेल वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही आप इसका डो लगाकर तैयार कीजिए। और उसके बाद मैंने ये 1 कप जितना आटा डाला। फ्रेंड, डो में जितना भी आटा लगेगा आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, और इसका बिल्कुल बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कीजिए। और बस अभी ये डो थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा आटा और डाल लेंगे। बिल्कुल पूरी जैसा आपको डो लगाना है, क्योंकि हम बनाएंगे पालक की मसालेदार लहसुनी पूरी। और लीजिए, डो परफेक्ट लगकर तैयार हो चुका है। हाथों को हल्का सा ग्रीस करके इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, जिससे डो सूखेगा नहीं। और कवर करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से रखेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, ये पूड़ियाँ आप ऐसे ही बनाइए, अचार या रायते के साथ या चाय के साथ सर्व कीजिए, यह कोरी भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। लेकिन मैं बनाऊंगी इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल सब्जी। तो उस सब्जी के लिए मैंने ये उबले हुए 4-5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, और गैस ऑन करके उसके ऊपर पैन रखा और उसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल डालें, देसी घी डालें। और इसमें डालें कुछ खड़े मसाले, जिसमें 4-5 मैंने काली मिर्ची ले ली हैं, 4-5 लौंग ले ली हैं,
एक टुकड़ा दालचीनी का ले लिया और साथ ही एक सूखी हुई लाल मिर्ची ले लिया। बस थोड़े से खड़े मसाले ही आपको डालने हैं, इस पर आपको इलायची वगैरह नहीं डालनी है। ये डाला हाफ टी स्पून जीरा और एक पिंच डाल दी हींग। अगर फ्रेंड्स आप थोड़ी हींग डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हींग डालें, इसमें हींग का फ्लेवर सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये मैंने लिया स्पेशल चीज़, वो है हाफ टी स्पून जितना बेसन, और वो इस मसाले में हम ऐड कर देंगे। जो हमने तेल लिया है काफ़ी सारा है और बेसन थोड़ा सा है, इसलिए बेसन फटाफट भुन जाएगा। अगर ज़्यादा भुन गया तो जल जाएगा, सब्जी का टेस्ट ख़राब कर देगा। बस आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्लेम को मीडियम रखें। और ये लिया अदरक, वो भी डाल दिया, दो तीन हरी मिर्चें वो भी डाल दी, और इन सब चीज़ों को एक बार फिर से भून लिया। और आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले थे बढ़िया से भून चुके हैं। तो अब हम डालते हैं कुछ और मसाले, जिसमें लिया हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, एक टी स्पून जितना धनिया पाउडर, और एक टी स्पून ही जितनी ले ली हैं लाल मिर्चें, और तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कम या ज़्यादा। और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। और अब इन सब मसालों को इस तेल में बढ़िया सा भून लेंगे। मैंने इस समय फ्लेम को एकदम स्लो रखा है वरना हमारे मसाले जल सकते हैं। और ये देखिए मसाले में कितना बढ़िया कलर आया है और बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैंने ले लिया है ये दो बड़े साइज के टमाटर, जिसे बहुत मोटा मोटा सा इस तरीके से रफली सा कट किया है। फ्रेंड्स इस तरीके से एक बार की सब्जी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है, नॉर्मल सब्जी से काफ़ी अलग टेस्ट करती है। और ये मटर के दाने के साथ ही आधा कप जितना पानी डाल दिया, जिससे हमारे मटर और टमाटर पक जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने टमाटर को भूना नहीं है, इसी से इसका जो टेस्ट आएगा बहुत ही अलग सा आएगा। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन लगाकर इसे पका लेंगे। और 2-2.5 मिनट में ही आप देखेंगे कि टमाटर और मटर हल्के हल्के से पक जाएंगे। और ये देखिए टमाटर हल्का सा पक चुका है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हुआ है और हमें इसे बहुत ज़्यादा मैसी करना भी नहीं है। और इसके बाद वो जो आलू थे मैंने उसे 1 कप पानी में इस तरीके से फोड़ लिया है और थोड़ा सा पानी और डाल दिया। सब्जी को पतला या गाढ़ा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, पर ये सब्जी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। और ढक्कन लगाकर अच्छे से हम इसे 6 से 7 मिनट पका लेंगे। और 6-7 मिनट में ये देखिए सब्जी ज़बरदस्त पककर तैयार हो चुकी है। टमाटर पक तो गया है लेकिन एक साथ मिक्स नहीं हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया सी सब्जी तैयार है। तो अब इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना लिया है गरम मसाला। आप चाहे तो गरम मसाले को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले भी डाले हैं, पर थोड़ा सा डाल देंगे तो और भी बढ़िया टेस्ट करेगी। ये सब्जी थोड़ी चटपटी और थोड़ी लटपटी सी होती है। और ये गया खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस वाली सब्जी में आपको बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर और टेक्सचर मिलने वाला है। और देखिए सब्जी बढ़िया सी उबल रही है और काफ़ी लटपटी सी हो गई है। तो ये थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून जितना काला नमक डाल दिया है, इससे सब्जी और भी टेस्टी हो जाएगी। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है। इसे तो एक साइड से रख देते हैं और अब हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। और इधर हमने जो आटा रखा था उसे रखे हुए भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार और मसल लेंगे जिससे अच्छा स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद जैसे हम नॉर्मली पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से इसके मैंने बॉल्स बना लिए हैं, हाथों से अच्छा सा चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स ये पूड़ियाँ आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी होने वाली हैं। पालक के साथ लहसुन गजब का टेस्ट देता है और साथ ही डाल दिया आलू, तो सारे टेस्ट वो वाले हैं जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। पालक आलू लहसुन गजब की टेस्टी पूड़ियाँ हैं। सब्जी की तो साथ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन सब्जी बनाते हैं तो और भी बढ़िया टेस्ट करती है। और बस नॉर्मल पूड़ियों की तरह इसे बेल लिया, नॉर्मल मतलब कि आपको इसकी साइडें थोड़ी सी पतली रखनी है और बीच पे थोड़ा सा कम प्रेशर दीजिए, जिससे आपकी जो पूड़ियाँ बनेंगी एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली बनेंगी। कुछ पूड़ियाँ बिलकर तैयार हुई और इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल को गर्म होने देते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो चुका है। पूड़ियों को हाई फ्लेम पर बनाइए तभी पूड़ियाँ एकदम बढ़िया से फूलती हैं, स्लो गैस पर पूड़ियाँ उतनी बढ़िया नहीं फूलती हैं, क्योंकि पूड़ियों के जो फूलने का मेन रीज़न होता है वो होता है भाप। और जैसे ही आप इसे गर्म तेल में डालते हैं
भाप की वजह से पूड़ियाँ फूल जाती हैं और अगर ऑयली गम गर्म होगा तो भाप उतनी अच्छी बनेगी ही नहीं। तो ये देखिए हमारी तो एकदम गुब्बारे जैसी पूरी फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया है, एकदम हरा कलर जो देखते ही खाने का मन कर जाए। जो पूड़ियाँ सिकती जाएंगी उसे हम प्लेट में निकालते जाएंगे और देखिए क्या करारी करारी पूड़ियाँ सिक रही हैं। सर्दियों में इस तरीके का अगर ब्रेकफास्ट मिल जाए या डिनर मिल जाए तो समझिए एकदम दिन बन जाता है। तो ये लीजिए चटपटी सी एकदम लटपटी हमारी जायकेदार आलू की सब्जी तैयार है, साथ ही बेस्ट कॉम्बिनेशन के हरे धनिए की चटनी। और आजकल हरे धनिए की चटनी सभी घरों में रोज रहती ही है। और ये है एकदम मसालेदार फूली फूली लहसुन पालक की पूड़ियाँ। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, देखते ही आपका जरूर बनाने का मन करेगा। संडे हो या सुपर संडे हो कभी भी बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।